हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रितु राठी व्लॉग्स में। तो भाई आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है लड्डू का बर्थडे। और आज है भाई मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे और उसके लिए बन रही भाई सुबह सुबह खीर। लड्डू को भी ने ला दिया है और खुशी मेरा काम करवा रही है, डस्टिंग करवा रही है। ये देखो लड्डू नहा धो के और अभी बैठा है भाई। और मैंने सब विश करना मेरे लड्डू गोपाल को। आज एक साल हो जाएगा हमारे पास आए हुए हमारी ज़िंदगी में वे लड्डू को। तो लड्डू को सबसे प्यारी सबसे पसंद खीर है, तो मैंने सुबह सुबह खीर बनाई है और सारा काम हो गया है। आटा भी बना लिया, रायता बनाया है भाई। अब मैं होंगी रेडी। खुशी हो गया काम? खुशी काम करवा रही है। अरे देखो मेहंदी इतनी डार्क हो गई है। और सुबह सुबह हो गई थी भाई मेरी सर की, सुबह 4 बजे उठी थी मैं। और फिर है ना सुबह मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था बहुत, तो फिर मैं गोली ली, तब अब ठीक है, फिर आराम हुआ और अब मेरा सारा काम हो गया। मैं फटाफट रेडी। तो भाई अभी नहा के आ चुकी हूँ और अभी होएंगे रेडी। और क्या पहन रखा है ना ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, अभी पहले मेकअप कर लेते हैं हल्का हल्का अपना। तो पहले है ना फेस पे मैंने टोनर और सीरम तो लगा लिया है और अभी प्राइमर लगा लेंगे हल्का हल्का पूरे फेस पे। वैसे मेकअप मुझे आता नहीं भाई, थोड़ा बहुत आता है वैसे ही कर लेती हूँ। वैसे मैंने बाहर जाने का सोचा था कि बाहर रेडी होके आऊँगी, लेकिन टाइम नहीं है और फिर सोचा ज़्यादा ना हो जाए तो अपना घर पे। तो अभी करते हैं भाई मेकअप प्राइमर। मेकअप प्राइमर पहले लगा लिया था, अभी लगा रही हूँ मैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में थोड़ी सी क्रीम मिक्स करके लगाती हूँ। वैसे आप ग्लो पहले देख ही सकते, पहले ही अच्छा ग्लो है। ये सारा कमाल उन प्रोडक्ट का है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको दिखाई भी थी मैंने ग्लो किट। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन को फिक्स किया और अच्छे से, उसके बाद बारी आती है भाई आई मेकअप की। उसके बाद किया मैंने आई मेकअप, ज़्यादा तो आता नहीं है, बस जैसा आता है वैसा कर लिया। जब फेस्टिवल आते हैं या कोई त्यौहार आता है तभी मैं मेकअप लगाती हूँ, वैसे तो बहुत ही कम, कहीं जाना हो तो। और मेकअप के बाद आई मेकअप के बाद आईलाइनर और काजल। आईलाइनर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भाई, बिल्कुल भी उसमें पता है प्रैक्टिस होती है उसके बाद ही अच्छे से हो पाता है, लेकिन हमेशा ना थोड़ा बहुत रह ही जाता है मुझसे। लेकिन ठीक हो गया था आज मेरा, आज रात तक टिक गया था अच्छे से। तो ये मेकअप होने के बाद मैंने भाई लगाई लिपस्टिक, बाद अभी रेडी हो जाते हैं। आज गोल्ड वाली पहनने वाली हूँ सब कुछ। ये पहनू या ये? तो ये वाले फाइनल किए मैंने। तो भाई मेकअप डन, चूड़ियाँ और ज्वेलरी सब हो गया है। और मेकअप फिक्सर लगाना भूल गई थी, अभी लगाया है। अभी रहते हैं बाल, जिसमें लगने वाला है टाइम। एक और चीज़ रह गई थी जो कि है पायल, और अभी हम पहनने वाले हैं भाई पायल। तो भाई बालों के लिए लिया है परांदी, ये परांदी लगाने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये देखो बिंदी और सिंदूर, जिसकी बारी आती है सबसे लास्ट में। तो बिंदी सिंदूर सब हो गया, ड्रेस भी होगी और अभी बारी आती है जूती, जो कि गोल्डन कलर की मैच होएंगी अपनी ड्रेस के साथ। फुल ड्रेस दिखाऊंगी आपको। और ये हो चुकी भाई अपनी जूती। और तो भाई अब स्टार्ट कर दिए बाल सेट करने अपने। और परांदी डालनी थी मुझे, एक बार सोचा था कि जाऊंगी बाहर सेट करवाने बाल, लेकिन नहीं फिर टाइम लग जाता, तो मैंने घर पर ही बना ली और परांदी डालनी थी अच्छे से। तो भाई लगा ली है परांदी, जैसी लगी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भाई ये है अपना फुल लुक रेड।
कैसी लग रही हूँ सब बताना कमेंट करके। तो भैया अभी हो चुके रेडी पूजा के लिए और अब करेंगे पूजा। माँ और खुशी कर रही हैं तैयारी और ये ब्याही हुई हैं कहानी कहनी। तो अभी हैं सारे राम राम ठीक हो आप हाँ। तो भैया अभी रेडी हो गए पूजा की तैयारी कंप्लीट और अब करते हैं पूजा। तो भैया हो गई हमारी पूजा जाओ हो बाजी सुब्रत ने बड़काला ने इतवार शनिवार का फिर हमने कुकर वेरा पाटा का सब बनाओ है सातम का हाँ। तो भी देखो माँ का तो फास्ट है और देख लो दोनों बालका ने है बर्गर लेके आई वो भी लार्ज बर्गर। अरे ये नहीं देखा मम्मी भूखी और तुम खाओ भी तो शान और क्या मम्मा भूख तो लगती है आज तो वैसे भी लड्डू का बर्थडे है तो ये लड्डू का बर्थडे मना रहे हैं पार्टी देख लो बर्गर की और कई दिनों बाद खा रहे हैं बर्गर और मम्मी खा नहीं सकती क्या कर सकते हैं हम तो फिर मेरा मन नहीं करेगा देख के देख इसे भी बालक हूँ ये खाओ भाई बर्गर हम भूखे प्यासे सुबह तक बर्गर सिंह के जाओ एक नंबर का बर्गर वाह प्रमोशन और कर दिया इन्हें बर्गर सिंह का। भैया बना ली है चाय माँ के लिए खुशी के पापा के लिए मुझे तो पीनी है नहीं और अपने लड्डू के लिए दूध बनाया शाम हो चुकी है उठ चुका है और लड्डू के लिए लेके आए हैं भाई बर्फी और तो अभी है ना भाई शाम का खाना बना रही हूँ और बना रही हूँ चॉकलेट और अभी सब्जी कट कर ली है मिक्स बना रही हूँ फूल गोभी शिमला आलू मटर और दिन में आज भाई रील शूट करी सारा दिन बिजी थी और अभी तुशांत जा रहा है एकेडमी आज छुट्टी नहीं है तुशांत। तो भाई अब सब्जी भी बना ली आटा भी बना लिया सारे काम हो गए हैं अरीब हो रही है शाम चांद कानूनी मेरा किस टाइम आओगा लेट आऊँगी आज तो पता ही है सबने आज है ना मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा खराब लग रही है और दिन में मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था सोचकर और सिर भी दर्द होने लग गया क्योंकि हर बार मम्मी बुलाती थी मुझे कि आ जा रितु पास होने का ये तो होता ही है कि ड्रेस दिखा के जा सूट दिखा के जा कैसी लग रही है मैं माँ को देखती थी और ऐसा नहीं है कि एक बार माँ ने नहीं बोला बोल रही थी माँ कि आ जा लेकिन सही बताऊँ मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है जाने की हुई और हो भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती थी आज और मैं बहुत ही मतलब सोचती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन इस मामले में मैं ना मैं इतनी इमोशनल हूँ और सबसे ज़्यादा डर है ना मुझे ज़िंदगी में अपनों को खोने का लगता है बस और चाहे सब कुछ चला जाए कुछ नहीं मायने रखता मेरे लिए लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रखती हैं कि मुझसे कोई मेरा अपना कभी दूर ना हो दिखाती नहीं लेकिन डेली एक दिन भी ऐसा नहीं जाता मेरा जिस दिन मैं चीज़ फील नहीं करती और पता है टाइम के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन मुझसे नहीं हुआ जाता सबसे मेरी दिक्कत यही है सबको बोलती हूँ समझाती हूँ कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये होना चाहिए ये करना चाहिए हाँ सबको समझा सकती हूँ लेकिन वो चीज़ खुद पे नहीं हो पाती है मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा अब क्या जो भी है मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो ये पल है ना बस इसको इंजॉय करो क्योंकि कल का किसी को नहीं पता क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमें खुद नहीं पता है तो जो चल रहा है ना बस उसको इंजॉय करो अब आप बोलोगे दी आप खुद इतने हो रहे हो
मैं तो वो कहते हैं ना, इंसान जितना खुश दिखता है ना इतना होता नहीं है। उसके अंदर क्या चल रहा होता है, कब क्या चल रहा होता है नहीं समझ सकता कोई भी। लेकिन मेरा मानना यही है कि हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो और आप यही राग रहो। ज़िंदगी का नहीं पता कुछ भी हमें, और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सच में हमेशा आपका सुहाग बना रहे, हमेशा यही दुआ है। जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं सबको, और अभी शाम के लिए तो ये अभी हो चुकी रेडी, सूट चेंज कर लिया, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मैंने पहना है भाई करवा चौथ के लिए स्पेशल। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना आप सब। तो अभी करते हैं वही पूजा शाम की, और खाने पीने की तैयारी तो हो चुकी है, बना कर रख दूंगी अभी जब तक चांद आएगा। तभी अब कर ली है शाम की पूजा। अरे बैठी माँ, अरे वहाँ चांद तो ना आया, सवा 8 हो गए। अरे मेरा सूट किस अलग है यो है, बढ़िया अलग है। इस सूट में देखो थी देखूंगी चांद कोड पर लिखेगा। अपने प्यास लग रही है, भूख लग रही है, भूख तो कोनी प्यास गनी हो रहा है। तो भाई इतना है ना, तो ये भी बना लिया खाना, सबने खा भी लिया। मैं और इसके पापा रहते अभी दही बना। अरे आ गया केसरी आ रही है बर्तन धो। चांद तूसान खान लग रहा भाई, खा लिया और माँ ने भी खा लिया, हम रह रहे हैं दोनों चांद के बाट है। हैप्पी बर्थडे टू यू, लेट गो बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई आज हमारे लड्डू गोपाल का पहला जन्मदिन, 1 साल का हो गया हमारा लड्डू। और ये लड्डू का दिया लगाया हमने, कैंडल नहीं बुझानी चाहिए जन्मदिन पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, ले तो सा गोपाल ले वर्मा। तो भैया अभी पता चला कि चांद आ गया है, और मैंने अपनी थाली कर ली है तैयार, और अभी जा रहे हैं भाई ऊपर, सारी चीजें तैयार करके रख रखी है। चल आ जा खुशी ले चल। तो हो गया भाई, और बहुत प्यास लग रही थी, पानी पी लिया खा लिया, अब चलते हैं नीचे। तो ये अभी आ गए नीचे, और अभी खा लेते हैं खाना अपना, खोलते हैं व्रत करवा चौथ का। और अभी इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सबका कैसा रहा करवा चौथ ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय माता दी।